इसकी पूरी कोशिश रहती है। और इसीलिए आपको बताएं कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी में देखिए लगातार जो मजदूरों के रेस्क्यू का काम है वो तेजी के साथ चल रहा है। 11वां दिन है और कोशिश यही है कि जल्द से जल्द इन मजदूरों को सुरक्षित इस टनल से बाहर निकाला जा सके। और भरपूर कोशिश यहां पर की जा रही है, वर्टिकल ड्रिलिंग के जरिए मजदूरों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है, पाइपलाइन के जरिए उन सभी के लिए खाना पहुंचाया जा रहा है। और इसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें सभी मजदूर सुरक्षित नजर आए, वो वीडियो भी आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट। उत्तरकाशी में फाइनल स्टेज पर आया रेस्क्यू ऑपरेशन, चमत्कार के लिए अगले 24 घंटे बेहद अहम। उत्तरकाशी में रेस्क्यू ऑपरेशन का आज 11वां दिन है। राहत और बचाव का काम युद्ध स्तर पर जारी है। अभी भी 41 जिंदगी टनल में फंसी हुई है, जिसके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन तेज है। इसी के साथ वर्टिकल ड्रिल मशीन टनल के ऊपर बन रहे रास्ते से ऊपर पहुंच गई है। इस मशीन के जरिए वर्टिकल बोरिंग कर टनल में रास्ता बनाया जाएगा, जिससे फंसे लोगों को बाहर निकालने की कोशिश की जाएगी। इस बीच ये भी साफ हो गया कि टनल में फंसे सभी मजदूर सुरक्षित हैं। सुरंग के अंदर पहली बार एंडोस्कोपिक कैमरा भेजा गया, जिससे सुरंग में फंसे मजदूरों की झलक 10 दिन बाद दिखाई दी। मजदूरों के चेहरे पर तनाव तो दिख रहा है, लेकिन ये उम्मीद भी मजबूत हुई कि अब वो जल्द ही बाहर निकल आएंगे। कैमरे की स्क्रीन को थोड़ा आप साफ कर लो, रुमाल से, कपड़े से, किसी रुमाल या कपड़े से कैमरे को साफ कर लो। और एक एक करके सब कम समझा है, देखो फसला आवाज जा रही है, स्पीकर से, ये लाउड स्पीकर से अच्छी आवाज जा रही है। एक बार कैमरे पे सभी लोगों को दिखाओ सर, कैमरा हो उसको बोलो वॉकी टॉकी अगर पाइप के पास ला सकते हो तो। सभा 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 जी, आप पाइप के पास आके वॉकी टॉकी से बात करें। या बगारू आप जाओ ना पाइप के छेद के पास। और पचन तो वो वीडियो रिकॉर्डिंग करिए, सबको पचन जो आता है। हो गई हो गई, कोई तो किसी का नाम बोल नहीं रहा, खाली चल पड़ेगी लड़का ये नाम नहीं पता। 20 साल ये कौन है, इसके बगल वाला। मजदूरों के रेस्क्यू के लिए कई इंटरनेशनल एजेंसी काम कर रही हैं। विश्व स्तर के विशेषज्ञ अर्नोल्ड डिक्स खुद रेस्क्यू की निगरानी कर रहे हैं। इसके साथ साथ 800 mm व्यास के पाइप को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। इसमें से पार होके दिखाऊंगा आपको कि किस तरह से उन लोगों को आने में यहाँ दिक्कत होगी या बिल्कुल आसानी से आ सकते। देखिए मैं, मेरी हाइट तकरीबन 5 फुट 10 इंच है और मैं देखिए कितने आराम से यहाँ ऐसे करते हुए आ रहा हूं, रोल करते हुए मैं आ गया। ये 700 mm का पाइप है जो अभी तक वहां जो पाइप भेजे गए थे वो पाइप 900 mm के थे। और देखिए ये जो पाइप में से मैं निकल के आ गया, ये 700 mm में और 900 mm में पहले 800 mm की ड्रिल की जा रही है, यानी उसे वेल्डिंग करके जो लगाया जा रहा है उसे 800 mm का, 800 में 700 mm का। तो बरखा ये अपने आप में बेहद जो सूझबूझ है ये तब आई जब PMO की टीम यहाँ पे पहुंची और तब ये दिमाग लगाने शुरू हुए कि भाई अभी तक तो ये जोड़ रहे थे 900 900 जोड़ रहे थे। उत्तरकाशी सुरंग हादसे में फंसे हुए श्रमिकों के लिए भोजन तैयार किया जा रहा है। कुक संजीत राणा के मुताबिक टनल में फंसे लोगों को कम मिर्ची, कम मसालेदार और कम तेल वाला खाना दिया जा रहा है। 6 इंच की पाइपलाइन से उन्हें खाना भेजा गया है। फिलहाल सुरंग के दोनों छोर से मलबा हटाने का काम चल रहा है, ड्रिलिंग की जा रही है। इसके अलावा सुरंग जिस पहाड़ के नीचे है उस पहाड़ के ऊपर भी ड्रिलिंग की जा रही है। ऐसे में अगले 24 घंटे इस ऑपरेशन के लिए बेहद अहम बताए जा रहे हैं।